हेलो एंड वेलकम गाइस। चलिए चलते हैं माई एसक्यूएल वर्क बेंच पर कुछ दूर और आगे और समझते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। यानी मैंने आपको बताया था कि डाटाबेस कैसे बनता है और उस बने हुए डाटाबेस को अगर आपको यूज करना पड़े तो उसको आप यूज भी कैसे कर सकते हैं। ये सारी बातें तो पहले ही हो चुकी हैं, तो आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले MySQL Workbench को ओपन कर लेता हूं। तो यहां पर MySQL Workbench मैं ओपन करूंगा और यहां पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपको तो पता ही है ये इस तरीके से आएगा, और फिर आपको यहां पर रूट जो है ना लोकल होस्ट का, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सिनेरियो कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये डेमो नाम से डेटाबेस बना हुआ है, मैं ये जो टेबल बनाने का प्रोसीजर है इसे हटा देता हूं। ये हटा दिया। अभी अगर हमें डेमो नाम का जो डेटाबेस है यहां पे रख करके अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूं तो ये डेमो नाम का जो डेटाबेस बना हुआ है उसको हम यूज कर रहे हैं। अगर आप नया बनाना चाहें तो क्रिएट कमांड का यूज करके नया बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, फिलहाल हम बनाने वाले हैं एक टेबल। तो टेबल बनाने के लिए क्या लिखते हैं, क्रिएट टेबल, यही तो लिखते हैं क्रिएट टेबल। तो यहां पर हम बनाएंगे एक टेबल, ठीक है। यहां पर करता हूं ब्रैकेट को ओपन और यहां पर मैं लिखता हूं रोल नंबर। तो ये लिखा रोल अंडरस्कोर नंबर, तो ये हो गया रोल नंबर। अब ये पहला जो है फील्ड हो गया और इसका डेटा टाइप हमने दे दिया इंटीजर टाइप का और यहां लिख भी दिया नॉट नल। यानी आपको प्राइमरी की तो देना ही देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। एक्सेस से लेकर MySQL Workbench तक प्राइमरी की का बड़ा महत्व है, ठीक है। जैसे कि आप जानते ही हैं प्राइमरी की एक यूनिक की होती है और ये हमेशा यूनिक वैल्यूज ही कंटेन करती है, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यहां पे लिख भी देता हूं नॉट नल प्राइमरी की, प्राइमरी की, ये हो गया। अब यहां पर कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगा करके यहां पे दूसरा फील्ड डालते हैं हम नेम, तो ये नेम हो गया। और नेम का डेटा टाइप में क्या रख देता हूं, टेक्स्ट रख देता हूं। अब ये दो ही फील्ड लिया हमने, इसको क्लोज किया और यहां से टर्मिनेशन दे देंगे, ये टर्मिनेशन भी दे दिया है हमने। तो अब ये देख सकते हैं यहां पर एक टेबल बन रही है और इस टेबल का नाम हमने दिया नहीं है, तो टेबल का नाम भी तो देना पड़ेगा। तो यहां पर स्टूडेंट नाम से टेबल बना रहे हैं, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के नाम से हम क्या कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट्स के नाम से हम टेबल बना रहे हैं और इसको चलाने की बारी है, तो चलाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैंने तो आपको बताया ही है। फिलहाल हम इसी तरीके का इस्तेमाल करने वाले हैं, यहां पर जाएंगे और उसको एक्सिक्यूट करवा देंगे। तो देखिए ना, ये एक्सिक्यूट हो गया। अब ये एक्सिक्यूट हुआ तो हमारी टेबल बनी है कि नहीं बनी है ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए इसमें हमें जाना है कहां पे। जैसे ये तो हमारी टेबल बन गई, तो ये अभी एक्सिक्यूशन कैसे पता करें, कैसे ये एक्सिक्यूट हुआ तो क्या रिजल्ट हमारा आया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा टेबल पे क्लिक करना है, तो डबल क्लिक करिए इस पे, और जैसे डबल क्लिक करेंगे ना तो ये टेबल हमने किस नाम से बनाया है, स्टूडेंट्स के नाम से। तो यहां पर आपको स्टूडेंट्स डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अगर डिस्प्ले नहीं होता है तो घबराने की बात नहीं है, यहां से रिफ्रेश करिएगा तो देखिए ये स्टूडेंट नाम से टेबल जो है यहां पे दिखाई पड़ने लगी। अब हम यहां पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहां पर दिया हुआ है सिलेक्टेड रोज 1000, तो बस यहां पर क्लिक कर दीजिए। तो अब देखेंगे यहां पर रोल नंबर और नेम नाम से दो फील्ड ऑलरेडी क्रिएट कर दिए गए हैं, ठीक है। अब यहां पर आप वैल्यूज डाल सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि बात समझ में आ रही होगी कि ये टेबल क्रिएट करने वाला जो फॉर्मेट है वो आपको कैसे तैयार करना है। अब यहाँ पे अगर रोल नंबर 1 लिख दिया तो भी चलेगा, यहाँ पे नेम लिख दिया आर्यम राम लिख दिया तो हो गया ना। अब यहाँ रोल नंबर 2 लिख दिया और यहाँ श्याम लिख दिया तो भी तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है ना।